गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज थर्सडे एक्सपायरी है और मार्केट में हमारे पास जो न्यूज़ है वो डेट सीलिंग को लेकर है। उसके ऊपर जो रिपब्लिकन्स का वोट आया वो पॉजिटिव आया है, उसको सभी ने सपोर्ट किया है और अभी जो बाइडेन के उस पर सिग्नेचर्स भी हो जाएंगे। और मार्केट आज ओपन जो होने वाला है वो फ्लैट टू थोड़ा सा गैप अप ओपन होने वाला है। तो मेरा फर्स्ट ट्रेड जो है वो मैंने वॉच लिस्ट यहाँ पर लगा रखी है। मैं मार्केट के ओपन होते ही 44,400 के पुट को शॉर्ट करूँगा और देखते हैं कुछ देर में क्या होता है। और हाँ, मैंने कल एक BTC जो ट्रेड बनाया था वो तो फिलहाल लॉस दिखा रहा है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। तो मार्केट ओपन होते ही मुझे कुछ लॉसेस से दिखा रहा है, तो ये लॉसेस को हम लोग ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे। इनफैक्ट इसको मैं अभी कट कर देता हूँ। 4,000 के अराउंड स्टिल हमारा लॉस हो गया है और मार्केट तो अभी नीचे ही जा रहा है, बट लेट्स सी के और इसको हम लोग कैसे टैकल कर पाएंगे। तो चलते हैं चाची के मायके को, लॉस में आ चुका है और के लिए भी बनाने हमारे सामने 600 ले लो ठीक है। और देखो यहां पर कच्चे यहां टीवी पर अभी सौरभ जोशी का ब्लॉग भी चालू है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3:10 और मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग तक आ ही गया है। और सबसे पहले मैं अपना पोजीशन दिखा देता हूं। आज हमको जो ओवरऑल लॉस देखने को मिला है वो 2500 के अराउंड लॉस देखने मिला है। अभी हेजिंग वाला एक पोजीशन चालू है जो मैंने इसे ही छोड़ दिया है। तो समझ लेते हैं मार्केट में हुआ क्या। अभी मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा था, मैंने सोचा भी था कि मार्केट में कुछ ट्रेड वगैरह करते हैं, बट मेरा जो व्यू था वो बुलिश था। मार्केट में जो पॉजिटिव न्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड करना था, बट वैसे कुछ न्यूज़ आई नहीं। न्यूज़ तो आ गई थी बट उसके ऊपर मार्केट में कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले मैंने जो कल पोजीशन बनाया था BTST, वो मार्केट के ओपनिंग के साथ ही मुझे 4,000 रुपीज़ का उसने लॉस दे दिया। उसके बाद में मैंने कुछ पोजीशंस बनाया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पोजीशन को पर मैं चाहता था कि एक बुलिश मोमेंटम मिले, बट बहुत देर साइडवेज चलने के बाद में उसने मोमेंटम दिया, बट पहले स्टॉप लॉस खाया फिर ऊपर गया। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी में 44,180 के अराउंड, और जो आज का हाई भी था। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मार्केट को लेके वो बुलिश था, तो मैं कोई भी बेयरिश ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहता था, इसके लिए मैंने कोई और ट्रेड नहीं लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में मार्केट ऑलमोस्ट 215-230 तक ट्रेड करता रहा, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया। बट यहाँ पर जो है एक CPR था प्रीवियस डे, जिसकी वजह से मेरे कॉन्फिडेंस नहीं आया ट्रेड में, इसके लिए मैंने कोई और ट्रेड नहीं लिया। अभी देखते हैं कि कहाँ मार्केट क्लोज होता है। मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव तो हो चुका है, बट हर डिप पे बाइंग आ रहा मार्केट में, तो हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे। अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना कर रखिए और किसी दिन आपको लगता है कि व्यू हमारा चेंज करने की नौबत आ रही है तो उस समय पे आप लोग ट्रेड भी ले सकते हैं। अभी हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम हमें आज देखने को मिला है। ये निफ्टी है, निफ्टी में बहुत सारे ट्रेड्स मिले और मोस्टली थर्सडे वाले दिन हम लोग को स्कैल्पिंग करके चलना है। जहाँ का मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ का ट्रिगर हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में, उस साइड का ट्रेड हमें लेना है। तो ये 2 स्टॉप लॉसेस लिया, फिर थर्ड ट्रेड जब चला तो अच्छा खासा मोमेंटम दिया, बट उससे बेहतरीन आज चला मार्केट में बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया फॉल हमें देखने को मिला। पहला हाफ बहुत ज़्यादा साइडवेज चलने के बाद एक डाउनवर्ड ट्रिगर हमें आया था यहाँ पर, उस ट्रिगर ने बहुत देर तक साइडवेज चला, लाइक 1.5 घंटे के अराउंड साइडवेज चलने के बाद में जो मोमेंटम दिखाया तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का डाउनवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो अभी तो मैं ये पोजीशन को कट कर दूंगा। कहाँ गया पोजीशन, ये 2400-2500 के अराउंड पे अभी चल रहा है। तो आज हम मार्केट में गलत हो गए हैं और गलत होने के बावजूद भी हम लोग 2000 के अराउंड ही लॉस में हैं, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि लॉसेस हमें शॉर्ट में कट करने हैं और प्रॉफिट को बढ़ा लेता हुआ चलना है।
अभी बात करते करते भी एक और अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल, और जो मैंने हेजिंग के लिए पोजीशन बनाया था उसने मुझे अनएक्सपेक्टेडली 1000 रुपीस का प्रॉफिट दे दिया है। तो शायद हमारा 1400 के अराउंड हम लोग लॉस कट कर दिया, और अगर फॉल आता है तो हम लोग इसको ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि खोने के लिए हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, बट आने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं अब कल की वीडियो में कैसा मार्केट होता है। फिलहाल तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव टर्न आउट हो गया है, अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, कुछ बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है या नहीं, वो हमें अभी देखना होगा। चलिए गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।